तेलंगाना में कोरोना केसेस में कमी, 24 घंटों के दरमियान 11,102 नए केसेस हुए दर्ज। मुतासिरों की मजमूई तादाद बशमूल जीएचएमसी 234 और 91,361 को पहुंच गई। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों के दरमियान 8,732 कोरोना के नए केसेस हुए दर्ज। मुतासिरों की मजमूई तादाद 281,870 को पहुंच गई। तेलंगाना के सदर मुकाम हैदराबाद के अलावा कई अजला में 3 दिन से बारिश का सिलसिला जारी, आम जिंदगी मफलूज। हैदराबाद के पुराने शहर याकूतपुरा में एक शख्स का बेहिमाना कत्ल कर दिया गया, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। बीजेपी रुकन काउंसिल एन रामाचंद्र राव ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर उन्हें खराज पेश किया। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर ओहदे से इनकार करने का राहुल गांधी को कोई हक नहीं है, वंशी चंद्रा रेड्डी का रद्दअमल। आंध्र प्रदेश की रुकन असेंबली उषा रानी को मुल्क के टॉप 50 अरकान असेंबली में मुकाम हासिल हुआ। मूसलाधार बारिश से सारे तेलंगाना में हाई अलर्ट, वरंगल एनडीआरएफ की टीम रवाना की गई। निजामाबाद के रुकन पार्लियामेंट की बीजेपी कलीदी ओहदे पर जल्द फायज करने के लिए संजीदा। शहर हैदराबाद का टैंक बंद, पानी से लबरेज नशेबी इलाकों की आवाम में डर और खौफ का माहौल। मुल्क में 24 घंटों के दरमियान 63,409 कोरोना के नए केसेस हुए दर्ज। मुतासिरों की मजमूई तादाद 25,90,682 को पहुंच गई। साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट की दुनिया से रिटायरमेंट का किया ऐलान। साबिक सदर जमहूरिया हिंद की हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की बरसी पर उन्हें खिराज पेश किया। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म और मोदी दोनों मुल्कों के दरमियान के क़याम के लिए फोन पर की बातचीत। हिंदुस्तान में मालदीव में 50 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी का किया ऐलान।
गुजशत 24 घंटों के दरमियान 260,320 कोरोना के नए केसेस हुए दर्ज। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,16,05,498 के पहुंच गई। तालिबान के हमले में 5 फौजी अहलकार हुए हलाक। ईंधन ले जाने वाले 4 ईरानी बिहारी जहाज अमरीकी के कब्जे में। दुनिया में तस्दीक शुदा कोरोना वायरस के केसों की तादाद 2.1 करोड़ से हुई मुतजावज। बगदाद एयरपोर्ट के अंदर वाक़ अमरीकी फौजी अड्डे पर रैकेट से किया गया हमला। पेशावर में मलून खादियान के कत्ल की तहकीकात जारी।